मेरा नाम से आया है सिने बॉयस ब्लॉक। मेरे शुरू करने से पहले ये लगा देते हैं कि अब सबके सामने मैं हीरो बन जाऊं। वेलकम बैक टू सिने बॉयस ब्लॉक यूट्यूब चैनल में आप सबको स्वागत करते हैं फिर से। सो गाइस, सो मेरे वीडियो पर बने रहना, अगर चैनल पर नए तो चैनल को जल्दी से फोर से जाके सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। मैं इसमें बताने जा रहा हूँ आप सबको एक जरूरी बात। Bitch, I'm stylish. Glock talk, big T-shirt, Billy. Watch on my wrist. So guys, मैं आप सबको बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। लोग किसे प्यार करते हैं, दिल से या दिमाग से? कि जो लिप ब्रेकअप हो जाता है यार। तो भेज, तेरे बस की बात नहीं। और हाँ गाइस, लोग जमीन को देख के चलता है या आसमान को देख के चलता है? भाई मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे कहना क्या चाहते हो? और हाँ गाइस, मेरे को ये नहीं पता है कि लोग आईफोन नहीं चलाने का पहले क्या फोन चलाया था, वो भी मेरे को मालूम नहीं है। हाँ गाइस, मैं जितना देखने में सुंदर नहीं हूँ, उतना रियलिटी में सुंदर हूँ। जब से तूने मेरे को देखे तब से मैं हो गया तुम्हारा लौंडा। लौंडा मतलब मालूम है, बॉयफ्रेंड। आज मैं तुम्हारे पास एक रुपया पूछा नहीं है, कल मैं तुम्हारे पास बहुत सारा डॉलर आएगा मेरे भाई। पैसा ही पैसा होगा। का पास तो गाड़ी नहीं है, बंगला नहीं है, पैसा नहीं है, चलने के लिए घूमने के लिए दोस्त नहीं, कुछ नहीं। गाइस, लोग तुम्हें ऐसा बोलता होगा लेकिन उन सब का बातों में नहीं आना। और हाँ गाइस, तुम जो भी कर रहे हो ना, लोग तुम्हें अनप शनप बोल देते हो ना, तो उस टाइम में तू पीछे हटना नहीं, जिससे कि उसको ऐसा बोल देने का आए कि जो वो नहीं बता सकता ना, वो बात बड़ा कर देना, बाटे को बड़ा कर देना, बड़ा बड़ा। एक शब्द भी बोलने के लिए नहीं बचाओ, ठीक है ना? दूसरों को बातें को सुनकर, दूसरों को बात को सुनकर अपने मन में रखने का नहीं, उसको निकाल देने का है। और हाँ गाइस, जिंदगी में ना सब लोग को तकलीफियां होता है, बहुत लोग को परेशानियां होता है, लेकिन इस परेशान को जीने के लिए क्या करना चाहिए मालूम है? बस अपने मम्मी पापा का बातें सुनना, और मम्मी लोग जो बोलेगा वो करना, कि दोस्ती या प्यार में पागल हो जाए। उन सब ने माँ बाप ने नहीं सिखाया है भाई। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। मम्मी बाबा हमेशा अपने बेटा को प्यार ही देते हैं, गालियां नहीं। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। हमेशा अपने मम्मी पापा का बात सुना, नहीं तो मेरा जैसा होगा कटिया लोकल, कटिया इंसान, अनपढ़ साला, छोड़ खाला चश्मा लग रहा है। खत्म। बस मैं आसमें क्यों घर में इतना काम करने लगा, क्योंकि हम आसमें नहीं, हम रोज काम करता है ऐसा, क्योंकि ना गाइस घर में मम्मी भी नहीं ना, आज तो ज़्यादा ही काम हो गया है। बर्तन मारने का, झाड़ू उड़ू मारने का, पानी बोकने का, ये सब तो रोज का काम ही है, हम तो रोज काम करते हैं ऐसा, क्योंकि आसमें बहुत ज़्यादा ही काम करने लगा मेरे को। क्योंकि ना गाइस, आज तो देखो मैं खांग लेके जंगल में भी आया हूँ, क्योंकि सुअर जो है ना उसके लिए हम घास सब कुछ जो सुअर काटे उसको ढूंढने के लिए आया है। सो क्यों ये सब करना पड़ा आज में मेरे को, क्योंकि मम्मी घर पर नहीं है, मम्मी खेती में धान कटने लिए गया है, धान कटने वाला सीजन है ना, इसलिए ऐसे है। और चलो तो देखा था यहाँ का नज़ारा कुछ, मैं अभी इन्हें बागान में आया हूँ, इन्हें बहुत सुंदर है, ये मेरा बागान नहीं दूसरे का बागान है। सो यहाँ में एक जैसा घास देखने को मिलेगा आपको, वो मैं देखा देखूँगा आप चलो। मैं एक घर है, क्योंकि यहाँ का स्टाफ लोग जो इसको देखने के लिए आता ना, उन लोग देखने के सोने के लिए रहने के लिए, और नीचे में भी घर है। और तो गाइस सब सिर्फ देखो, सब एक ही गाछी गाछ, पता भी एक ही, सब देख सकते हैं गाइस, बहुत ज्यादा है यहाँ में गाछ। गाइस मैं इस सिर्फ ना बहुत बार आ चुका हूँ, लेकिन मैंने ब्लॉग वीडियो नहीं बनाया है, क्योंकि जो आसमे में आया हूँ आप सबको लेके, आसमे यहाँ में नजारा देख सकते हैं आप लोग, बहुत खूबसूरत है। और मैं जाने वाला हूँ इस सिर्फ में। गाइस मैंने आते आते यहाँ में स्कोरल दिखाई, ये देख आप लोग देख सकते हैं स्कोरल, पक गया। वही देख, यहाँ में रुचि गाछ बहुत ज्यादा है,
हिंदी से क्या बोलता है इंग्लिश से क्या बोलता है मेरे को मालूम नहीं है, लेकिन यहाँ में आलू का भाषा से बोलता है रुचि। रुचि यानी मतलब वो आलू का तरह ही होता है, उसको बॉयल करके खाने में बहुत टेस्ट है। और ये सफ़ेद झटका है बहुत ज़्यादा है यहाँ में। सो ये जो घास है ना, ये जो घास है इसको हम लोग बोलता है मार्बल ट्री, लेकिन हिंदी इंग्लिश से क्या बोलता है मेरे को मालूम नहीं है, मुझे सिर्फ अपना भाषा ही मालूम है। सो इसको बोलते हैं हम लोग मार्बल ट्री। इसको बहुत सुअर मतलब जो इसका पत्ता जो है ना, इसको बनाए के खिलाने में बहुत अच्छा लगता है। सो इसको मैं अभी तोड़ के अपने कंग में भर्ती करने वाला हूँ। और एक चीज़ और एक घास है उसको भी खाने में सुअर बहुत पसंद करते हैं। सो उसको भी बाद में दिखाएगा, पहले इसको तोड़ देते हैं हम। उसका बाद में बहुत सारा घास है यहाँ में, और आगे में भी बहुत है, वहाँ में भी बहुत ज़्यादा है यहाँ में भी। सो पहले इधर से शुरू करता है, अपनी खंग को इधर रख देते हैं। और मैंने आने का टाइम में ट्रिकपोर्ट ले लिया और दाव भी ले लिया, ये तो ट्रिकपोर्ट कम में आएगा ना, इसलिए आया था मैं साथ में। ये जो पत्ता है ना थोड़ा खुजली खुजली दिखने में ऐसा लग रहा है, लेकिन खुजली नहीं होता है। इसको पहले ऐसे तोड़ेगा हम लोग, ऐसा 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 तोड़ेगा इसको, उसका बाद में खंग में डालो। जंगल में आने से पहले लंबा वाला शर्ट पूरी शर्ट लगा लेना चाहिए, क्योंकि वो इतना खुजली हो जाना कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा पत्ते भी बहुत ज़्यादा है। सो इसको मैं अभी दो दिन ही तो काफी है, खंग भी फुल हो गया। तो गाइस ये घास तो जितना मैंने थोड़ा था, जितना मैंने घास खाता था सब ले लिया है। इसका नाम जो है हम इसको खांडव बोलते हैं, हमको भाषा से खांडव खांडव। इसका मतलब जो है ना फटा, इसका कुछ अलग तरीके से है। चलो पहले थोड़ लेते हैं घास ना, इसको ऊपर वाला पत्ता लेके इसे थोड़ लेने से ना गाइस कुछ नहीं होता, ये वापस नया निकल जाएगा इसे तोड़ने से, लेकिन काटने के लिए जरूरत नहीं गई। खंग में पूरा भर्ती हो गया है, क्योंकि ना गाइस ये जो है ना मैंने घसीट घसीट के लिखा है, क्योंकि जरा घसीटने से ये जो खंग है ना खराब हो जाएगा। इसे मैंने मम्मी से वादा किया कि मैं स्वर के लिए बेम्बू से गौर बना के देगा, क्योंकि वो अच्छा से रह सकूँ, वहाँ पर घूम के रह सकूँ। रोशी से तो कहाँ में लेट पता देता है, कहाँ में अथक जाता है, कहाँ में फंस जाता है ना, इसलिए मैंने स्वर के लिए गौर बनाने के लिए मम्मी से वादा किया है। सो गाइस जिस दिन मैं गौर बनाएगा उस दिन में थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा मेरे को। सो मच्छर बहुत छाप लिया है मेरे को। सो गैस आज का वीडियो तो इतनी सी है सिर्फ। सो गैस अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करने का। सो प्ले से सब्सक्राइब करके रखो, बेल आइकन दबा देना, ऑल पे प्रेस कर देना, ठीक है। अगर लाइक कर देना, एक छोटी सी लाइक करने में आपको कुछ नहीं जाएगा भाई। ऐसा सफेद क्यों कलर लगाया मालूम है आप सबको? क्योंकि ऐसा माफी नहीं खाने के लिए, लेकिन फिर भी खा दिया ना, देखो कैसे है, देख बहुत सारा है। मेरा इंस्टाग्राम आईडी नहीं पता है जो, वो हम लोग डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर सकते हैं। देखो ये गजब की जिंदगी है, इसको मैं बॉटल साफ करने लगता है, लेकिन आपने शक्ल दिखाने में शर्म करता है। बस मेरा तो हो गया, फिर से आ गया हम लोग का जो बहुत गंदा हुआ है। इसको दो दिन पहले नहाया था, आज में तो ठंडा, अभी तो ठंडे दिन चल रहे ना, इसको बुखार उखार हो जाएगा, उसी के दर से मैंने नहाया इसको। भाई जो भाई